हेलो ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड गेमिंग विथ मोस्ट ऑफ ग्लोरी गेम प्ले वीडियो। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है 140 VIT, इसे जल्दी से कर लेते हैं कलेक्ट। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि ये एक बेस वीडियो है। क्यों बेस वीडियो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भैया इसी वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चलने वाला है, कैसे आपका जो गेम है वो मेजर जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो है पोकेमोन्स के लेवल, और पोकेमोन के लेवल डिपेंड करते हैं आपके ट्रेनर लेवल पे। तो आप अपने ट्रेनर लेवल को कैसे इजीली इंक्रीज़ कर सकते हो और इंक्रीज़ करने का भाई फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो भैया अगर आपका पोकेमोन लेवल लेट्स सपोज दैट कि 30 ही है, मतलब कि आपका ट्रेनर लेवल तो मान लो 30 है, तो आप पोकेमोन को मैक्सली 30 लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपका पोकेमोन लेवल 30 होगा तो आप इनिस्टीमेसी हो गया या पोकेडेक्स हो गया या कोई भी, उस पर आपका लिमिट होगा कि आप इतना ही एफर्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हो, आपका इनिस्टीमेसी लेवल ही इतना ही अमाउंट तक जाएगा, या आपका मतलब बहुत सारे जितने भी फैक्टर है वो सब आपको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। आप ज़्यादा उन्हें क्या बोल सकते हो यार, इनिस्टीमेसी नहीं दे सकते हो। पोकेमोन का लेवल अगर आपका ज़्यादा नहीं होगा तो अगर आप एफर्ट वैल्यू ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ये दोनों चीज़ आप नहीं दे सकते हो अगर पोकेमोन का लेवल हाई नहीं होगा। तो भाई बहुत सारे चीज़ें जो पोकेमोन के लेवल पे डिपेंड करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उन लेवल को ईजिली बढ़ा सकते हो, मतलब कि अपने ट्रेनर लेवल को बढ़ा के। और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो जो कि मैंने आपको इससे जस्ट प्रीवियस बताया वो था भैया सोर्स ऑफ आर्क के ऊपर, कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली लुगिया एंड मैगडीना खेल के प्लेयर्स कलेक्ट कर सकते हो। भाई प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा अटैक बोल दो या पूरे के पूरे स्टैट्स बोल दो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो आपको किसी भी पोकेमोन को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले आपको मेनली स्टैट्स पे फोकस करना है, और अगर स्टैट्स को स्ट्रॉन्ग जल्दी से बनाना है तो भैया सोर्स ऑफ आर्क एक बहुत ही तगड़ा तरीका है। अगर आपके प्लेयर्स लेवल हाई होंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पर डे का ये जो हमारा डेली टास्क है ये आप इजीली कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और इसको कंप्लीट करने के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टुडेज एक्टिव 0 है, मैंने आज खोला ही नहीं है, जानबूझ के नहीं खोला, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टोटल हमें 245 तक रिवॉर्ड मिलते हैं, इसमें से आपको रिवॉर्ड जो लेने हैं वो कहाँ तक लेने हैं। तो यहाँ पे देखो सफारी टिकट है 150 तक, तो यहाँ तक तो भैया चलो नॉर्मल रिवॉर्ड है, ट्रेनर एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन इसके बाद से जो ये तीन बॉक्सेस है ना ये बहुत ही काम के हैं। यहाँ से आपको मिलते हैं इनर्जी ड्रिंक, ये पहला बॉक्स, फिर यहाँ पे और भी बॉक्स है, फिर से आ जाते हैं, थोड़ा क्लिच हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल बॉक्स है हमारा 210, इसमें भी एक एनर्जी ड्रिंक मिलता है, और 245 पे जो बॉक्स खुलता है उसमें भी एक एनर्जी ड्रिंक मिलता है। तो आपको ये कैसे करना है कैसे लेना है सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑनलाइन, आपको किस टाइम आना है, अगर आपको डेली मिशन कंप्लीट करना है तो भाई आप ऑनलाइन एक बार यहाँ अगर आते हो गेम खेलने तो भैया 8:30 बजे के बाद ऑनलाइन आओ, 8:30 बजे के बाद। और आपको ऑनलाइन आते ही क्या क्या करना है जल्दी से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर मिल जाएगा लग्जरी लंच, जिसको आपको ले सकते हो भाई, VIT फ्री का VIT मिलेगा। अब यहाँ पर देखो टुडेज एक्टिव 0 है, अब इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है ये मैं बता दूं। शॉप में जाना है, शॉप में कुछ भी आपको परचेस कर लेना है। मैं यहाँ पे 10 ग्रेट बॉल खरीद लेता हूँ, हो गया, एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें पोकेमोन में आना है, पोकेमोन में आपको किसी भी पोकेमोन को आके एक मतलब क्या बोल सकते कैंडी खिलाना है, तो एक कैंडी खिला दो, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आपको फ्रेंड सेक्शन में आना है, फ्रेंड को आपको VIT सेंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से फ्रेंड सेक्शन खोल देंगे, और सेंड बाय वन क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंड कर दो, ये भी आपका टास्क कंप्लीट हो गया। चलो हो गया, इसके बाद अब इजी टास्क, सारे पहले मैं इजी टास्क आपको बता रहा हूँ। आपको चैट सेक्शन में आना है, चैट सेक्शन में आपको कुछ भी लिख देना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो, एक बार चैट करना है, देन हो गया। देन आपको इवेंट सेक्शन में आना है, इवेंट सेक्शन में आपको आंसर क्वेश्चन वाले पे आना है, आंसर क्वेश्चन में आके आपको डू यू वांट टू स्टार्ट करना है, और बस कट कर देना है। आपको अगर रिवॉर्ड लेने हो तो ले लेना, मुझे नहीं लेने तो कट कर दिया मैंने, इतने हो गए। अब जल्दी से आ जाते हैं और इजी जो टास्क है, तो ये देखो 40 पॉइंट्स तो हो गए। अब आपको गोल्ड कॉइन बाई करना है, तो गोल्ड कॉइन पे प्लस करना, और जोड़ लो भाई मैंने 10 डायमंड अभी स्पेंड कर दिए गोल्ड कॉइन बाइन करने में, हमारे यहाँ भी टास्क कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद आपको करना है नेचुरल सफारी, एक सफारी यूज़ करना है, यहाँ पे लो एक भी सफारी टिकट है, एक सफारी टिकट सिर्फ हम लोग को यूज़ कर लेना है। कोई भी पोकेमोन आए अगर आप पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो, तो यहाँ पे सीनियर हॉटस्पॉट आया तो इसे हम पकड़ ले। तो फाइनली हम लोगों ने सीनियर हॉटस्पॉट को भी पकड़ लिया, इसको मैंने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि ये बाद में फ़ायदा देने वाला है हमें, तो इसलिए सीनियर था तो पकड़ लिया, वरना कोई भी आता मैं रनअवे कर देता। तो यहाँ पे ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हो आपके टोटल पॉइंट कितने हो गए, 55 टोटल पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे जल्दी से आप आते हो और यहाँ पे देख सकते हो ट्रेनर डेली लाइफ है। अब आपको कोई भी 3 पोकेमोन पकड़ना है, यहाँ पे ट्रेनर्स डेली लाइफ 1 out of 3 लिखा हुआ है, आपने एक पोकेमोन पकड़ लिया इसलिए ये 1 out of 3 है। अब आपको 3 पकड़ने हैं तो वो आप पकड़ सकते हो, तो वो भी मैं आपको पकड़ के दिखा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्रेनर डेली लाइफ भी कंप्लीट हो गया, हमने पोकेमोन भी पकड़ लिए।
अब आपको आना है गैचेपोन सेक्शन में। रोज आप एक बार गैचेपोन करते होगे तो आप रोज इसी टाइम पे करोगे तो भाई रोज इसी टाइम पे आपका अनलॉक भी रहेगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग एक्सचेंज फ्री कर लेते हैं गैचेपोन, यहाँ पे हमें कुछ भी मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रूइन भी है, रूइन को भी समन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये दोनों भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद अब इजीली वाले टास्क पे आते हैं जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट देते हैं। ये तो हमारे इतने टास्क होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है किसी भी लेवल पे, मतलब भाई इलीट में आप आ जाओ, इलीट वाले में आ जाओ, किसी भी लेवल पे आ जाओ। जस्ट लाइक हम आ जाते हैं यहाँ पे 8 पे आ गए। अब आपको 3 बार स्वीप करना है तो स्वीप कर लो, स्वीप स्वीप एंड स्वीप। तो इससे आपको भाई देखो दो बार हमें कॉफ़ी मिल गई, तो बहुत सही। आपको कुछ भी मिल सकता है, तो हमें तीनों बार कॉफ़ी मिल गया। प्लस में आपको एक बार बाई करना है 10 डायमंड देके। तो अभी तक आपने 20 डायमंड स्पेंड कर दिया है और यहाँ पे आपको जल्दी से कर लेना है स्वीप। तो इससे तो भैया आपको कॉफ़ी मिल गया तो वो फ़ायदेमंद ही है, बट आपको टोटल 10 बैटल करना है। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 6 बैटल 8 पे कर लिए। अब बचा है हमारे पास और 4 बैटल करने हैं, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो 4 बैटल ये हो गया, यहाँ पे 1 बैटल और करना है, ये भी कम्प्लीट हो गया। और भाई आप जिस पे भी चाहो उस पे कर सकते हो, मैं किसी रैंडम पे कर लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 बैटल हमने कर लिया, तो इरेस्टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल 105 हो चुका है। अब आपको आना है प्लीज़ पे द फीस और ये सारे जितने भी बचे, तो इनमें जितना भी बचा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से बहुत ही ईजी वाले कौन कौन से, तो ये 15 पॉइंट है, फाइट फॉर ऑनर, गार्ड होमलैंड और कम्युनिटी फैंस। 15 15 15 15 45, तो 45 पॉइंट्स है। प्लस में आपका और ईजी बचा हुआ है केक मेकिंग और केक रिफाइनिंग, तो ये दोनों हम लोग कर लेते हैं, इससे 10 पॉइंट भी मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लाइव, मैं सारे पॉइंट्स आपको एकदम ईजिली अभी करके दिखाऊंगा जितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनिशिएट करना है, 4 बार करना होता है, तो 4 ही बार होते भी है, पहले 10 बार होता था बट अब 4 ही बार होते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 बार ये करना है, लेकिन उससे पहले याद रहे ये जो फ्री का 2 बार रिफाइन है इसको आपको यूज़ कन्फर्म कर लेना है। तो एक आपका टास्क कम्प्लीट हुआ केक रिफाइनिंग, और उसके बाद आप ये वाला टोटल जब कलेक्ट कर लोगे 4 बार तो भी आपका कम्प्लीट होगा केक मेकिंग और केक रिफाइनिंग। तो यहाँ भी हमारा टोटल कम्प्लीट हो गया, 115 हो गए। अब यहाँ पर आ जाना है आपको क्लब सेक्शन में। क्लब सेक्शन में टोटल 45 पॉइंट्स है। सबसे इजी वाला है क्लब इंस्टेंस। क्लब इंस्टेंस पे आपको क्लिक करना है। क्लब इंस्टेंस पे क्लिक करके आप किसी में भी लीड बैटल या गो टू किसी भी कर सकते हो, जहां आपने पहले से मतलब पॉइंट कर रखे होंगे उसको आपको स्वीप कर देना है। तो नो इनफ चैलेंज अटेम्प्ट्स, यहां पे क्यों नहीं बता रहा है, नो इनफ चैलेंज बता रहा है। अच्छा ये लगता है अभी खुला नहीं होगा या कुछ होगा, तो इसको मैं बाद में करके आपको दिखाता हूँ। अभी आ जाते हैं क्लब इन्वेंशन में। क्लब इन्वेंशन में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जितने सारे पोकेमॉन्स, तो इनमें से आपको बैटल करना है। तो मैं आपको बैटल एक करके दिखाता हूँ। इसमें से अभी देखो हॉरिबल गिराटीना 3 आउट ऑफ 4 है, इसको हम बैटल, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने 1 बार बैटल कर लिया, लेकिन 1 बार बैटल करना नहीं, आपको 5 बार बैटल करना है। तब आप सोचोगे कि भाई 5 बार बैटल करना है तो बहुत टाइम लगता है, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ, तो आपको वो कुछ नहीं दिक्कत होगा। उसका ट्रिक मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिला गार्ड होमलैंड अटेम्प्ट लिखा है, अटेम्प्ट है 1 आउट ऑफ 5, फाइट फोन ओवर में भी अटेम्प्ट है 0 आउट ऑफ 2, और यहाँ भी अटेम्प्ट है, मतलब आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है 5 10 और 2 12 बार आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सिंपली भैया आप आ जाओ क्लब वाले सेक्शन में, एंड देन क्लब वाले क्लब इन्वेंशन और क्लब, ये दोनों, ये वाला क्लब इन्वेंशन और इसके बगल वाला, तो इसको आपको कर लेना है चैलेंज। चैलेंज करो और एग्जिट कर दो, चैलेंज एंड एग्जिट कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ऐसा 5 बार करना है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, दोनों करके दिखाऊंगा टोटल, तो इससे इजीली 45 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर बस बैटल स्टार्ट होने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, कोई भी पोकेमोन ले लो। मैं आपको सारा डिटेल में बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपको कैसे करना है वो मैं इजीली बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने 1 बार कर लिया, इसी तरह आपको 5 बार टोटल करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम लोग गार्ड होमलैंड वाला जो टास्क था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गार्ड होमलैंड, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह एक और था कम्युनिटी एग्जीक्यूटर वाला, यहाँ पे है आप देख सकते हो कम्युनिटी वाला एग्जीक्यूटर वाला, तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपली चैलेंज करना है एंड देन एग्जिट कर देना है 5 बार, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी मैं आपको 1 बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एग्जिट कर दिया सक्सेसफुली, 1 बार एग्जिट कर दिया और 4 बार करते। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने, जैसा कि हमें सिर्फ एग्जिट करना था तो हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है, लगता है 1 बार और बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 बार और बचा हुआ है कम्युनिटी फंड्स में अटेम्प्ट,
और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे लिख के आ चुका है कम्युनिटी फंड्स डेली टास्क कंप्लीट है, तो इसी तरह आपका ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा क्लब में एक और टास्क जो कि मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये वीडियो हो सकता है लंबी है क्योंकि भाई इतने सारे टास्क ही हैं जो बताने में टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 145 हो गया। इसके बाद आपको करना होगा सेव द वर्ल्ड है और स्ट्रेंथन एक्सरसाइज, तो ये सब नहीं करना आपको। अब इजीली इजीली मैं बताता हूँ, वीडियो ऐड देखना है प्लस में चैम्पियन ट्रायल है, तो चैम्पियन ट्रायल आपका खुलेगा तभी जब आप टोटल अनलॉक कर लेते हो, या मुझे नहीं याद है बट चैम्पियन ट्रायल एक नया ऑप्शन आया था, तो इसमें आपको बस आना है और यहाँ पे जो आपके बॉक्स होंगे इसको बस आपको कलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे रिसीव और हमारा जो डेली टास्क है वो कंप्लीट हो गया, देख सकते हो बस हमें रिसीव करना था। यहाँ पे आप जाओ तो डायमंड भी दे सकते हो, तो डायमंड हम नहीं देने वाले। हमारा 150 पॉइंट्स तो बेसिक वाले कंप्लीट हो गए। अब बेसिक वाले तो हो गए भाई, अब उसके आगे वाले बताता हूँ। तो आपको आना होगा ब्रदर्स टुगेदर्स में, ये आपका सिंपली जो आप बैटल करते थे पहले टीममेट्स को बुला के इनवाइट करके वही वाला बैटल है। मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोग तो ये फुल वीडियो नहीं देखने वाले हो, लेकिन जो देखने वाले उनके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, एक टीम बना लेते हैं, टीम इंस्टेंस में आपको आना है और टीम बना लेना है, कोई भी टीम बिल्डर टीम करोगे टीम बन जाएगा। देन आपका रिमेनिंग टाइम 5 out of 5 है, मतलब आपको 5 बार लड़ने बचे हुए चांसेस और 5 बार ही लड़ना होता है। आप किसी भी लेवल पर लड़ सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हाई लेवल के पोकेमॉन्स को हराना है या लो लेवल, आपको जिसको मन उसको हराओ।